राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही हजारों युवाओं को उम्मीद जगी थी कि अब नौकरियों की बहार होगी। अशोक गहलोत ने युवाओं की उम्मीद पर खरा उतरते हुए पेंडिंग पड़ी भर्तियों पर युवाओं को पोस्टिंग दी। कोर्ट कचहरी के मसलों को हल करके पोस्टिंग दी गई। गहलोत सरकार ने सूबे में शिक्षा की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी है, जिससे अब राजस्थान देश में शिक्षा के मामले में दूसरे पायदान पर काबिज हो गया है। देखिए एक रिपोर्ट। एक दौर में राजस्थान शिक्षा के गणित के मामले में निचले पायदान पर था, लेकिन अशोक गहलोत ने कुर्सी संभालते ही शिक्षा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी और शिक्षा विभाग में कई नवाचार किए हैं। सबसे पहले NCERTE का पाठ्यक्रम लागू किया गया, वहीं स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी को देखते हुए कोर्ट के केसों को निस्तारित करवाया। पिछली सरकार में शिक्षकों की कई भर्तियां कोर्ट कचहरी में अटक गई, उसको निस्तारित कर पोस्टिंग दी गई, जिसमें 36,000 थर्ड ग्रेड टीचर्स को ज्वाइनिंग दी गई, तो वहीं 1200 हेडमास्टर को पोस्टिंग देकर माध्यमिक स्कूलों का ढांचा सुधारा। उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1600 प्रिंसिपल को पोस्टिंग देकर बोर्ड रिजल्ट और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम किया। इसके अलावा 4500 शारीरिक शिक्षकों को पोस्टिंग देकर शिक्षा के साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अहम कदम बढ़ाया। और अब द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के लिए खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि सरकार ने 9000 द्वितीय श्रेणी के विषय अध्यापकों को पोस्टिंग देने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही प्राइमरी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए CM गहलोत ने कई बदलाव किए। आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राइमरी स्कूल के तौर पर कन्वर्ट किया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को अब प्राइमरी स्तर की एजुकेशन दी जाएगी, जिसके बाद राजस्थान अब देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। केवल घोषणाएं की थी उन्होंने, उनको हम धरातल पे लेके आए। लगभग 36,000 थर्ड ग्रेड के टीचर हमने लगाए, 1200 HM जो सेकेंडरी स्कूल के हैं वो लगाए, 1600 हमने प्रिंसिपल DPC करके लगाए हैं, 4300-4500 के लगभग हम लोग PTI शारीरिक शिक्षा जो स्पोर्ट्स के लिए जरूरी है बच्चों के लिए, वो लोग बाग हम लगाने जा रहे हैं, और 9000 के लगभग सेकेंड ग्रेड के जो विषय अध्यापक हमारे हैं वो हम लोग अभी एक महीने के अंदर अंदर लगाने जा रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार ने शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए करीब 1500 करोड़ का बजट आवंटन किया है। स्मार्ट क्लासरूम को सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1500 करोड़ रुपए हम लोग लेकर के आए हैं, उसके टेंडर प्रक्रिया में चल रहे हैं, जल्दी टेंडर प्रक्रिया हो करके और वो हो जाएंगे। जो हमारी आंगनबाड़ी थी उनको हमने प्री प्राइमरी घोषित करके प्री प्राइमरी के आधार पे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। खेल खेल के आधार पर खिलौने दे करके या पोस्टर लगा करके हम लोग बच्चों को कैसे सिखा पाते हैं, प्री प्राइमरी को हम लोग मजबूत करने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने गांधी जी के विचारों को पढ़ने और समझने के लिए विद्यार्थियों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने का फैसला किया। प्रतियोगिताओं में लैपटॉप और स्कूटी जैसे बड़े पुरस्कार रखकर छात्रों को प्रतियोगिता के लिए आकर्षित करने का काम किया। पिछली सरकार में CSR के सालाना बजट 50 करोड़ को 85 करोड़ कर दिया है। इस बजट का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए किया जाएगा। पिछली सरकार ने अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश की थी, लेकिन गहलोत सरकार ने उसे रोकने का काम किया है। मनोहर विश्नोई, Zee Media, दिल्ली।